मणिपुर में जिस तरह से अटैक हुआ, करीब 18 जो जवान से उनके शहीद होने की खबरें फिर हुए मणिपुर जो अटैक हुआ था। इनफैक्ट यू नो देर वॉज सम ओल्ड यू नो ट्रैजिक इंस्टेंसेस इन मणिपुर, बट रिसेंटली मणिपुर वॉज कंपैरेटिवली काम एंड पीसफुल। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट यू नो इन ए वेरी वेरी शॉकिंग डस्टार्टली अटैक बाई दी अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट, यू नो 20 आर्मी मेन वेर इंजर्ड और आई थिंक 16 ऑफ दम डाइड एंड दे डाइड फॉर द कंट्री। We are with them, we are with their families, and it's a shocking incident. Government should deal with this thing with all the seriousness it deserves. It was a dastardly attack in Manipur yesterday. Even words fail to express the views that we have for this kind of cowardly act. We are extremely pained that we have lost about 18 Jawans in this attack. The Bharatiya Janata Party stands with this martyr's family for all times to come. We pray for their souls to rest in peace. The government is a strong government in the center and all possible steps would be taken. पिछले 3 महीने के अंदर 3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं ये, और इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जो बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील मसले हैं उन पर सरकार संजीदगी से उन पर गौर नहीं कर रही है, उन पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे 18 जवान कल शहीद हुए, हमें पूरी सहानुभूति उनके खानदानों के साथ है। ये शहादत जो है देश के लिए उन्होंने दी है, हमें हम जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया हम उनको कंडम भी करते हैं, लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि 3 वाकयात हो गए, अब उसकी आंख खुल जानी चाहिए।